हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और जल्दी से बन जाने वाली दही मुर्ग की रेसिपी, यानी कि दही वाला चिकन। सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में आप डालें 1 चम्मच इतना कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच इतना बटर। गर्म हो जाए तब आप इसमें डाल दें 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। फ्रेंड्स, अगर आप जीरो ऑयल चिकन बनाना चाहते हैं तो आप इसे पहले दही में मैरिनेट कर लें और बिना ऑयल और बटर के बना सकते हैं। और यहाँ हमने डाल दिए हैं 2 प्याज बारीक कटे हुए और 3 हरी मिर्च हमने इसमें डाल दिए। और प्याज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर आ जाए, ट्रांसपेरेंट सा आ जाए तब तक इसे पका लेना है। और ये देखिए अच्छे से पक चुका है। इसमें डाल दें 2 चम्मच इतना लहसुन अदरक यानी कि जिंजर गार्लिक और इसकी कच्ची स्मेल आने तक आप इसे पका लें। अराउंड 1 to 2 मिनट्स लगेंगे। और ये देखिए, इसके बाद आप इसमें डाल दें 750 ग्राम्स इतना चिकन और इसे आप हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लें। इससे क्या होगा ना कि जो चिकन की जो ऊपर की स्किन है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। जो ये पिंकिश सा कलर है ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें आप डाल दें काफ़ी सारा कर्ड, अराउंड 300 ग्राम जितना, और बिल्कुल फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च आप इसमें डालें और नमक डाल दें एज़ पर योर टेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि चिकन और कर्ड अपना पानी रिलीज़ कर देगा और इसी जूस के अंदर ये जूसी और टेंडर चिकन बनकर तैयार होगा। हरा धनिया डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स, आपको इसे 7 to 8 मिनट के लिए पकाना है ढककर लो फ्लेम पर, एक बार इसमें उबाल आ जाए। और चिकन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी चिकन गलकर तैयार होता है। और ये देखिए 7-8 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं 90% ये चिकन है कुक हो चुका है। लेकिन अगर आपको किसी स्टेज पर लगे चिकन पहले ही पक चुका है तो आप गैस की फ्लेम को तेज करें और फटाफट से ये जो पानी है इसे आप सुखा लें। अब आप इसमें डालें हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी, बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, आज हमने जो चिकन बनाया है वो ड्राई बनाया है, लेकिन आप ग्रेवी चाहते हैं तो ग्रेवी बना सकते हैं, तरी बना सकते हैं। और वाइट रखा है हमने इसे, लेकिन अगर आप कलर चाहते हैं तो देगी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बैचलर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और दही डालने से एक टेंगीनेस और एक क्रीमीनेस आ जाती है चिकन के अंदर, बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होता है। और आप चाहें ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच जितनी घर की मलाई डाल सकते हैं। और ये देखिए, गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए और ड्राई खाइए, या आप चपाती के साथ खा सकते हैं। और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है, गार्निश कर दें आप फ्रेश हरे धनिए के साथ। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।